नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट लेके आ गया हूं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कोरोना वायरस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आई है। साथ में दोस्तों, आज की जानेंगे मध्य प्रदेश के पेट्रोल प्राइस और जो है सोने की कीमत को लेकर। वही दोस्तों, यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए काफी खास बड़ी अपडेट लेके आया हूं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश की परीक्षा को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वही दोस्तों, स्कूल और कॉलेज को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आई है। वही दोस्तों, छात्र छात्राओं और साथ में दोस्तों किसानों के लिए लेकर भी काफी बड़ी अपडेट लेके आया हूं। वही दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी मौसम में बदलाव और बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कहां पर कैसा रहेगा मौसम और पूरी जानकारी जो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 319 नए मामले जो है सामने आए। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से नहीं हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और राज्य में अब तक कुल जो है 10,727 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि एक अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इंदौर में जो है 13 और भोपाल में 61 नए मामले आए। और अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोविड के 3,449 मरीज उपचाराधीन है और पिछले 24 घंटों में 721 लोग स्वस्थ होने से जो है राज्य में इस बीमारी से अब तक 10,24,731 लोग जो है मात दे चुके हैं, यानी कि उन्होंने कोरोना को हरा दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली न्यूज की बात की जाए तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ेगा महाकाल का शहर उज्जैन, जगमगाएंगे 21 लाख द्वीप। दोस्तों, बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर इस बार महाकाल की नगरी उज्जैन में कुछ खास होगा। शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम किया जाएगा और दोस्तों महोत्सव मनाया जाएगा और महाकाल के दरबार से लेकर और शिप्रा तट तक जो है पूरे शहर में 21 लाख दीप जो है एक साथ जलाए जाएंगे। हर घर में कम से कम 5 दीप रखे जाएंगे। इस दीपोत्सव शहर में जो है काफी ज्यादा जगहों पर सभी की वर्ग, उम्र और समाज के लोग शामिल रहेंगे और 17,000 से ज्यादा स्वयं सेवक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो दोस्तों, आप इनमें शामिल होंगे कि नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप जो है उज्जैन से है कि नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली न्यूज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में CPCT एडमिट कार्ड हो गया है रिलीज। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कंप्यूटर और प्रवीणता प्रमाणन परीक्षा की जो है 2022 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अब इसे आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन किया था उन्हें दोस्तों CPCT की आधिकारिक वेबसाइट cpct.mp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली न्यूज की बात की जाए तो यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए खास मोबाइल नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 1800 120 70 44 ये जो है मोबाइल नंबर है। और दोस्तों, एक और नंबर है जो कि 87 70 31 0660 ये हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर आप भी फंसे हैं तो आप ना वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वही दोस्तों, अगली न्यूज की बात की जाए तो पेट्रोल प्राइस को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में काफी स्थिर प्राइस रेट देखने को मिली और भोपाल में पेट्रोल 106.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.56 रुपए प्रति लीटर रहा। इंदौर में पेट्रोल 107.26 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.92 रुपए प्रति लीटर रहा। ग्वालियर में पेट्रोल 107.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.77 रुपए लीटर रहा। वही दोस्तों, जबलपुर में पेट्रोल 107.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.81 रुपए प्रति लीटर रहा। रीवा में पेट्रोल 109.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.29 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं उज्जैन में पेट्रोल 107.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.96 रुपए प्रति लीटर पर मिला। वहीं दोस्तों, बात करें सराफा बाजार की तो पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में सोना चांदी सस्ता हुआ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में बताया जा रहा है कि सोने और चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिला। राज्य में 24 कैरेट सोने के दामों में 520 रुपए और 22 कैरेट गोल्डन की रेट में 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। तो वही दोस्तों, 1 किलोग्राम चांदी 1000 रुपए सस्ती दर पर मिला। और वही दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के दामों में भी बढ़ोतरी न होने से लोग सोना और चांदी में निवेश की योजना बना सकते हैं। इंदौर में 24 कैरेट सोना 49,790 रुपए और 22 कैरेट सोना 47,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहे। वही दोस्तों, 1 किलो चांदी 69,000 रुपए पर बिक रही और भोपाल में 24 कैरेट सोना 49,790 रुपए जो है प्रति 10 ग्राम पर है। तो वही दोस्तों, 22 कैरेट सोना 47,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है और चांदी 69,000 प्रति किलो ही है। दोस्तों, अगली न्यूज की बात की जाए तो 7 मार्च से फिर खुलेंगे स्कूल, यानी ऑनलाइन क्लासेस पर शिक्षा विभाग ने क्या दिया है आदेश। मध्य प्रदेश में इन दिनों दोस्तों परीक्षाओं का दौर चल रहा है, जहां एक और 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, वही अन्य क्लासेस की परीक्षा की भी तैयारी जारी है। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि पूर्व घोषित 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जो है इन क्लासेस की परीक्षा लेंगे, जिसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसी बीच दोस्तों, शिक्षा विभाग ने फिर से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है, साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं बंद रहने के भी आदेश
दे दिए गए हैं। प्रदेश में दोस्तों कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से बताया जा रहा है कि स्कूल खोल दिए गए थे 1 फरवरी से ही, और यहाँ सरकार ने तब जो है 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश दिए थे ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, और सरकार के अनुसार जो छात्र फिजिकल क्लास में नहीं आना चाहते थे वे ऑनलाइन भी शामिल हो सकते थे। लेकिन दोस्तों नई जानकारी गाइडलाइंस के मुताबिक एमपी के हॉस्टल और आवासीय स्कूलों में भी सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। अब स्कूल की क्लास 8वीं 10वीं और 12वीं के छात्र 100% क्षमता के साथ हॉस्टल और आवासीय स्कूलों में आएंगे, और यहां पर बताया जा रहा है कि 6ठी और 7वीं और 11वीं के छात्रों के भी जो है हॉस्टल की सुविधा देने की बात की गई है। और अब मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रदेश के स्कूलों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अगर आपके भी घर में कोई ऐसी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो उनको जो है आप फिजिकली जो है जा सकते हैं, यानी कि स्कूल में जाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं, ना कि ऑनलाइन। दोस्तों अगली न्यूज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है आज से अमूल दूध महंगा, 1 लीटर पर 2 रुपए बढ़े और 57 में से 1 लीटर और आधा लीटर 29 रुपए में मिलेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी दूध के रेट बढ़ा दिए गए, सभी वेरायटी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा किया गया। इनमें दोस्तों अमूल गोल्ड, शक्ति, ताजा चाय और मीडियम वेरायटी शामिल है, और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में रेट बढ़ा दिए गए। और दोस्तों अमूल के सीनियर सेल्स ऑफिसर पंकज देशमुख ने बताया कि नए रेट जो है 1 मार्च से लागू होंगे, यानी कि आज से लागू हो गए। तो दोस्तों ये जो है काफी बुरी खबर है हमारे लिए, क्योंकि जो है एक बार और से महंगाई हमें जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। वही दोस्तों अगली न्यूज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश मौसम को लेकर आ रही है। मौसम विभाग की माने ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी से भारी मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ठिठुरन बढ़ सकती है और कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पारे में गिरावट रही, खजुराहो में 10.5, नौगांव में 11.2, पंचमढ़ी में 11.5 और नरसिंहपुर में 12 और 7 में, ग्वालियर में 12.1, रायसेन में 12.2 और गुना में दोस्तों बताया जा रहा है कि गुना और रीवा में 12.6 डिग्री सेल्सियस और धार में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। प्रदेश के बड़े शहरों की बात की जाए तो भोपाल में 32.9 अधिकतम और 15 जो है न्यूनतम तापमान रहा, इंदौर में 31.4 अधिकतम और साथ में 16.5 न्यूनतम तापमान रहा, ग्वालियर में 27.2 अधिकतम और 12.1 न्यूनतम तापमान रहा, और दोस्तों जबलपुर में 30.7 अधिकतम और 16.6 न्यूनतम तापमान रहा। वहीं खरगोन, खंडवा में दिन का पारा 36 डिग्री के पार चला गया, और मौसम विभाग की मिली ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, रीवा, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई। वहीं बिजूरी में 4, अनूपपुर में 3, कोतमा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, और अगले 24 घंटों की बात की जाए तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की उम्मीद है, तो कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, और मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में जो है अब मौसम बदल सकता है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होने से न्यूनतम तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बादल होने और साथ में तापमान में बढ़ोतरी जारी थी। पूर्वी क्षेत्र में बारिश होने से पारा लुढ़का है, और बताया जा रहा है कि देश के ऊपरी हिस्सों में हुई बारिश और हवाओं का रुख बदलने से ठंडक बढ़ी है। बीते 24 घंटों में अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया और शिवनी में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, रीवा, जबलपुर संभाग में भी काफी मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो यह था मध्य प्रदेश का मौसम सिस्टम और ताजा न्यूज अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।